कौन से गाने में कौन सी ताल लगती है, हम जब कंपोजिशन कर रहे हैं या हमें गाना सुना भी है हमने, तो ये कैसे पता करें कि उसमें कौन सी ताल लग रही है, या फिर बना रहे हैं तो कौन सी ताल लगाएं, कौन सी ताल में उस गीत को बनाएं। ये एक छोटा सवाल है लेकिन बहुत बड़ा इसका जवाब है ना। सवाल इतना सा है कि भाई ताल कौन सी लगती है, लेकिन इसके पीछे तजर्बे हैं, इसके पीछे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं ऐसे ही एक कोई जवाब नहीं दे सकता और ये नहीं बता सकता कि यही ताल लगेगी, क्योंकि इसके पीछे कई टेक्निक्स लगती हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि इसी गाने में ये ताल भी लग रही है तो वो भी लग सकती है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं, और थोड़ा बहुत जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं थोड़ी मदद करने की कोशिश कर दूंगा। प्रॉपर आपको हो सकता है कि सारे जवाब ना मिले, पर मैं अपने अपने तजर्बों अनुसार, अपने एक्सपीरियंस अनुसार कोशिश करूंगा इस सवाल को हल करने की। पूरा वीडियो देखें और जानें। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। नासिर काज़मी साहब की लिखी एक गज़ल है, जो कि ओरिजिनली ये जो मैंने कंपोजिशन गाई है, नूरजहां बेगम की गाई हुई है ये। फिर इसको और भी कई लोगों ने गाया, आशा जी ने भी गाई है, खान साहब ने, गुलाम अली जी ने इसकी अलग कंपोजिशन करके गाया है। तो एक छोटी सी उसकी पेशकश। तो आइए फिर से हम बात करते हैं उसी टॉपिक पर कि कौन से गीत में कौन सी ताल लगती है। सबसे पहले मुझे ये समझाना ज़रूरी है आप लोगों को कि ताल को समझने के लिए छंदों को समझना ज़रूरी है। जब आप SPW के हमारे लेसन से सीखते हैं, स्वरांगिनी हमारी किताब से सीखते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला लेसन जो है, वो लय का होता है। और लय अलग अलग प्रकार की आपको समझाई जाती है, अलग अलग छंद आपको समझाए जाते हैं, जैसे कि 3 का छंद, जैसे कि 4 का छंद, जैसे कि 5 का और 7 का छंद, है ना। ये बेसिक से छंद हैं जो ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं, और भी कई ताले हैं मगर ये कुछ प्रारंभिक ताले हैं और प्रचलित ताले हैं, प्रारंभिक तो नहीं बोलूँगा, प्रचलित ताले हैं, है ना, जो कि यूज़ में आती हैं, जिसमें से भी सबसे ज़्यादा प्रचलित है 8 मात्रा, जैसे कि आपको मालूम है। कहरवा में ज़्यादातर गीत बनते हैं, उसी के अलग अलग प्रकार हैं, जो भली वो ढोलक पे बज रहा है, ड्रम पे बज रहा है, ऑक्टापेड पे बज रहा है, या आपके वो जो EDM में बज रहा है, वो सारा 8 मात्रा ही है लगभग, है ना। 8 पर ही ज़्यादातर काम होता है, क्योंकि वो इक्वल वेटेज है, उसका इक्वल डिवीजन है, तो वो आसान रहता है लोगों के लिए समझने में। भजनों में भी वही यूज़ होता है, गज़लों में भी वही, और 6 भी उसके बाद यूज़ होता है, 7 भी उसके बाद यूज़ में आता है, प्रयोग में आता है। अब आपको सबसे पहले तो इन छंदों को समझना पड़ेगा। जब तक आप उनको नहीं समझेंगे, तब तक उन्हें गीतों में ढूंढ पाना आपके लिए मुश्किल होगा, शब्दों में ढूंढ पाना। सबसे पहले जानिए कि किसी भी गीत में कोई ताल लगाने के लिए उसके शब्दों की बांट को समझना आवश्यक है, कि उसके शब्द जो है किस बांट में लिखे गए हैं। अगर उनका आपने डिविजन समझ लिया, तो अपने आप आपको उसमें ताल समझ आ जाएगी एप्ट वाली कि ये लगेगी। उसके बाद आपको देखना है कि कंपोजिशन करते समय कौन सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि गीत जो है वो तो 7 मात्रा के छंद में लिखा हुआ है, लेकिन उसको गाया गया है 8 में, क्योंकि कंपोजिशन में वो थोड़ा ज़्यादा सहूलियत दे रहा है, क्योंकि 7 का जो छंद है, क्योंकि तालों में रस भी होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ। आप अगर आई बटन पर क्लिक करें या लिंक में डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको वो मिल जाएगा, ताल और छंद और ताल और रस, इस का क्या रिलेशन है, तो आप अच्छे से समझेंगे। तो 7 का जो छंद था, वीर रस आता है, क्योंकि बड़ी खड़ी है और बड़ी रेगुलर है। जैसे कि अगर आपने सुना हो वो जो हम में तुम में करार था, मोमिन खां मोमिन की गज़ल है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही याने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, ये 7 का छंद है। चुपके चुपके रात दिन,
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है ना, ये अगर आपने सुना हो, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, या फिर आपने वो सुनी हो कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आए ना मेरा अक्स है, पसे आए ना कोई और है, ये जैसे है। आपने वो सुना हो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है। ये पूरा सात का छंद आ रहा, आप देख रहे हैं कितना रेगुलर जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा एक रेगुलरिटी रहती है। मुश्किल होता है सात की गज़लों को थोड़ा स्लो में कंपोज करना, लेकिन अच्छे अच्छे लोग हैं जो गुलकार हैं वो कर देते हैं, जैसे मेहदी साहब ने की, खातिर गजनवी साहब की जो गज़ल है, गो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। अब ये है साथ में, लेकिन उन्होंने इत्मीनान से इसको कंपोज किया है, इसमें कोई स्पीड नहीं रखी, मगर ऐसा अक्सर देखते हैं कि हम अगर सात का या चौदह का कुछ बना रहे हैं तो वो स्लो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका वो फ्लो जो है वो टूट जाता है। लेकिन खान साहब तो उन्होंने तो बनाई है और वो अलग कंपोजिशन का अंदाज है। अब कई बार क्या होता है, दो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, आपको छंद सीखने जरूरी है ना, सारे तालों को सीखना जरूरी है कि धा धिन ना धा तिन ना, ये दादरा है तो ऐसा छंद जाता है, तिन तिन ना धिन ना धिन ना, ये रूपक है तो ऐसा छंद जाता है, धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना, है ना। जैसे कोई पास आया सवेरे सवेरे, है ना, ये जो उनकी जगजी साहब ने गाई है, अभी उन्होंने ये पांच मात्रा में बनाई गई है, जो पश्तो जो ताल है उसमें इसका उन्होंने निर्माण किया है, तो अब वो भी समझना ज़रूरी नहीं कि वो छंद आप कैसे पहचानेंगे। दस में भी हरिहरन साहब की एक गज़ल है जो कि हाजिर एल्बम की है, जिसमें जाकिर साहब ने साथ में संगत करी है, है ना। तो ऐसे आपको छंदों को समझने के लिए, मात्राओं को तालों को समझने के लिए पहले छंदों को समझना होगा, तो वो अगर आप एक बार सीख जाते हैं फिर आप समझ जाते हैं। जैसे कि बहुत पॉपुलर जो गाना हुआ था अभी कबीर सिंह का, बेख्याली में तेरा ये ख्याल, अब उसको वो दादरा में है, छह मात्रा में जा रहा है, भले वो पीछे धातिन ना नहीं बज रहा है, भले वो ड्रम और वो ऑक्टापेड और वो जो भी वेस्टर्न म्यूजिक बज रहा है, लेकिन मात्राएं वही छह है ना, डिवीजन वही है, डिविजन्स नहीं बदलते हैं। कोई सा भी संगीत ले लो आप विश्व में, वो सारे छंद वही हैं, स्वर वही सारे हैं ना। तो जा रहा है बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, एक दो तीन चार पंच है, एक दो तीन चार पंच है, एक दो तीन चार पंच है, एक दो, ये जा रहा है बेख्याली में भी तेरा। अब कई बार क्या होता है, अगर मैं इसे ऐसे पढ़ दूं, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तो ये सात का छंद हो रहा कहीं ना कहीं, धागे न धागे तिट धागे न धागे तिट धिन 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 धिन, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तो ये देखिए, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। समझने वाली बात यह है, जब आप कंपोजिशन करते हैं, शब्दों का पंच क्या जा रहा है, उनके मानी कैसे क्लियर हो रहे हैं, उनके पॉजेस कैसे जा रहे हैं। अब जैसे मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, ये सात मात्रा में, मैं साथ में एक बार इसे अगर आपको गा के दिखाऊं, मेरी ही कंपोजिशन है, सलीम कौसर की यह गजल है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और, धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना तिन तक तेरे किट, धिन धिन ना ना तिन तिन ना, हाँ ये जा रहा है ना। अब इसका, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, अब यही मेहदी साहब ने गाई है आठ मात्रा में, मैं ख्याल किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। इसी कंपोजिशन को साथ में भी गाया जा सकता है, मगर उन्होंने आठ मात्रा लगा के पॉजेस को थोड़ा बढ़ा दिया। अब पॉजेस बढ़ाने से क्या हुआ, थोड़ा और इत्मीनान से आप इसे गा सकते हैं, धा ताकत तिट ताके तिट धिन धिन, एक दो तीन चार पाँच छ, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, है ना। जबकि कैसे जा रहा था, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, है ना। तो ये है, थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। कई बार सात की गज़लों को आठ में भी बनाया जा सकता है, आठ की गज़लों को सात में नहीं बनाया जा सकता, बस इतना बता दूं, है, क्योंकि सात का जो छंद है वो बड़ा
साफ सुनाई दे जाता है। कई बार होता है, कई संगीतकारों ने ऐसा किया है कि सात की गजलों को या सात के गीतों को उनको आठ में गाया गया है, आठ वाले जो गीत है उन्हें छह में गाया गया है क्योंकि छह में और पास आ गया, तो गैप की जो गुंजाइश है वो और कम हो गई, पॉजेज जो है वो और कम हो गई। अगर आपको ज्यादा स्लो नहीं करना है और ज्यादा लंबा लंबा नहीं खींचना है तो दादरा में गा दो उसको। तो बट ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार यही चीज़ अप्लाई हो, मगर हाँ ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले छंदों को समझिए, तालों को, लयों को समझिए, फिर अपने आप धीरे धीरे आपको पढ़िए, ज़्यादातर पढ़िए, अपने आप मालूम चलने लगेगा कि उसका छंद किस में लिखा हुआ है। अब जैसे एक फेमस गज़ल है, मैं शायर का नाम भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मगर एक अच्छी थी। और एक स्टूडेंट से मेरी इस बात पर बात हो गई कि वो बोले कि मैंने उससे पूछा, मैंने बताया इसमें कौन सी ताल लग रही है, तो उन्होंने बोला आठ लग रही है। मैंने उसको पढ़ा और उनको बताया, मैंने कहा सात लग रही है, अब आप पढ़िए दोबारा तो मालूम चलेगा। और उसमें सात थी वाकई, लेकिन वो आठ में बोल रहे थे, आठ में भी बराबर आ रही थी, लेकिन पॉजेज देने से। उसको ही एक बार थोड़ा सा जिक्र करके मैं ख़त्म करता हूँ। एग्जैक्ट वर्ड्स भी उसके मुझे याद नहीं है, मगर हाँ कुछ ऐसा है उसका कि उसका शेर है कि रकीब आके बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, है ना। तो रकीब आके बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, है ना। तो ये शेर है, अब इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो ये बांटी जा रही है, रकीबा के बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, है ना। अब उस वो इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, रकीबा के बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। अब ये आठ में भी बनाया जा सकता है ना, और साथ में भी, इसको मैं पढ़ रहा हूँ तो एक्चुअली लिखा गया ये साथ में है, लेकिन इसे आठ में बनाया जा सकता है अगर आप वैसे बनाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा इसका कंपोजिशन एग्जांपल दूँ, हाँ रखीबा के बताते हैं यहाँ दिल है वहाँ दिल है, अब ये मैं आठ में गा रहा हूँ, रखीबा के बताते हैं यहाँ दिल है वहाँ दिल है, हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, है ना। ये अब अगर मैं इसको साथ में इसी को गाऊं तो, रकीबा के बताते हैं यहाँ दिल है वहाँ दिल है, हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, तक धिन्ना धिन्ना तिन। तो ये है, रेगुलर बन गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको कंपोजिशन करते समय थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड का चैनल, और मैं लाता रहूँगा ऐसे ही कुछ कुछ अलग अलग सवाल मेरे एक्सपीरियंस अनुसार। एक खुशखबरी है आपके लिए कि हमारा एक न्यू चैनल ओपन होने वाला है, जिस पे हमारे चैनल में जितनी गज़ल और गीत और वो आप सुनते हैं वो आपको सभी वहाँ सुनाई देंगे, वहीं दिखाई देंगे, ताकि एक सहूलियत हो जाएगी आप लोगों के लिए, आसान होगा कि अगर आपको सीखना है तो संगीत प्रभाव वर्ल्ड से, और अगर वीडियोज़ गानों के सुनने हैं, गज़लें सुननी हैं तो उस चैनल पर। तो जुड़े रहें, मैं जल्द आपको उसका लिंक, उसका नाम, उसका सब कुछ डिटेल्स आपको दूंगा, आप सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। शुक्रिया।